पूर्व मध्य रेलवे दानापुर डिवीजन के रेलवे महकमे में मंगलवार को तब हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि गाजीपुर के दरौली स्टेशन के समीप दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल को जा रही डाउन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन पर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की है। सूचना है कि बदमाशों ने कई राउंड फायर कर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की। ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड ने इस पूरे घटना की जानकारी दानापुर कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद रेलवे विभाग सतर्क हो गया। हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन बिना रुके अपने निर्धारित गति से गंतव्य की ओर रवाना हो गई। मौके पर दिलदार नगर आरपीएफ जीआरपी भारी संख्या में पहुंच गई, लेकिन उसके पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की पहली घटना है। वहीं जीआरपी मामले की छानबीन कर रही है। दिलदार नगर आरपीएफ निरीक्षक बाल गंगाधर ने बताया कि सूचना पाकर पुलिस टीम गहरी छानबीन में जुट गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।